हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू व्लॉग। मैं हूं दक्ष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीसी राइडर। तो अभी जो है टाइम हो गया है कुछ 5:30 हो गए सुबह के, न्यूज़पेपर हम ले आए। अभी मैं बैठा हूं ऑफिस की पार्किंग में, आपको दिख रहा होगा यहां पे ये बेसमेंट पार्किंग है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं यहां पे। ज़्यादा नहीं, 3-4 गाड़ी हैं, बाकी उधर की तरफ लगी हुई है, इधर वाली पार्किंग खाली रहती है। तो मैं इधर आया था नीचे पार्किंग में, वॉशरूम वगैरह जाके अपना ब्रश वगैरह कर लिया है। ब्रश वगैरह यहाँ अपना धरा हुआ है सीट पे, ये रखा छोटा सा कोलगेट और ब्रश। बाकी शर्ट यहाँ पे टंग रही है, मैं टी शर्ट में बैठूँ। और अभी जो है फटाफट से ऊपर चलते हैं, मतलब कि ये बेसमेंट है, उस ऊपर चलते हैं, गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी पे कपड़ा वपड़ा मारते हैं आराम से। अभी अपने पास टाइम है 5:30 हो रहे हैं, 5:30 के आसपास हो रहा है टाइम। तो 6 बजे तक सर आएंगे, आधे घंटे का टाइम है। अपने गाड़ी वाड़ी साफ़ करते हैं, अंदर से तो क्लीन है गाड़ी, साफ़ कर दी थी, बाहर से भी साफ ही है, बस थोड़ा मिट्टी उट्टी है, वो कपड़ा मारना है शीशों पे, फिर से गाड़ी अपनी साफ़ है। तो फटाफट से जो है बाल्टी भरते हैं, गाड़ी पे कपड़ा वपड़ा मारते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ सीधा गाड़ी साफ वाफ करने के बाद। और फ्रेंड्स, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई अगर जाकर बंदा नाइट में शिफ्ट कर रहा है, जॉब कर रहा है नाइट में, तो उसको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो सो जाता होगा, उसको काम नहीं होता होगा। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे जो बोलते हैं कि भाई तेरी तो रात को शिफ्ट है, रात को तो क्या ही काम होता होगा। अरे भाई, रात को काम है जब ही तो ऑफिस बुलाते हैं डेली। मेरी तो संडे की भी छुट्टी नहीं है, कोई त्यौहार की छुट्टी नहीं है, क्योंकि मीडिया लाइन में आपको पता ही है कि अखबार छपते हैं, डेली की न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है, तो मीडिया लाइन में तो छुट्टी हो ही नहीं सकती। ना तो होली की, ना दिवाली, कोई त्यौहार की छुट्टी नहीं है, ना कोई संडे की छुट्टी है, ना कोई गवर्नमेंट छुट्टी है, ना कुछ भी नहीं है। मतलब 7 दिन आना है, काम करना है, रात को गाड़ी चलानी है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 9:30 के आसपास आ जाता हूँ। बस शनिवार इतवार को जो है, सैटरडे संडे जो है, मैं थोड़ा लेट आता हूँ, मतलब वही लेट क्या, 10:30 तक आ जाता हूँ, 1 घंटा लेट आता हूँ बस, और कुछ नहीं है। 1 घंटे पे क्या ही होता है, 2 दिन अगर लेट आ गए तो कुछ भी नहीं होता। तो वही 7 दिन आके काम करना है, आके 9:30 बजे से फिर वही रूट लगाने जाओ, कोई मैडम उतर के आ गई तो उनको छोड़ के आओ। और रूट भी ऐसे होते हैं भाई साहब, 70-70 किलोमीटर के रूट होते हैं। कभी नोएडा एक्सप्रेसवे पे जाना पड़ रहा है, कभी मेरठ एक्सप्रेसवे पे जाना पड़ रहा है, कभी गाजियाबाद जाना पड़ रहा है। मतलब कि दिल्ली के अंदर तो गाड़ी चलती नहीं है, चलती है सीधा हाईवे पे चलती है, और गाड़ी चलती है 100-120 किलोमीटर इतनी रफ्तार पे गाड़ी चलती है। और वो भी काम ख़त्म नहीं करोगे तो फिर यहाँ सुनोगे, ख़त्म करोगे तब भी सुनोगे, मतलब कि काम करना ही करना है। और लोग ये सोचते हैं कि भाई रात में जाता है, सुबह आता है 7 बजे, रात को सो जाता होगा। अभी भी मैं रात को यहाँ पे फ्री हुआ हूँ, कुछ 3:30-4 बजे फ्री हुआ हूँ, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट मिलता है। हाँ, 1 घंटे का रेस्ट तो मेरा डेली पक्का है, 4 बजे से 4:30-4 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ, मतलब 3:30 बजे फ्री होता हूँ, 4 बजे तक मैं अपने शर्ट वर्ट चेंज करके गाड़ी में एसी थोड़ा ठंडा करके, और फिर मैं 1 घंटा रेस्ट कर लेता हूँ। पर वो कच्ची पक्की नींद नहीं होती, वो ऐसे ही होता है, किसी ने गेट बजा दिया है, कुछ कर दिया, कोई मतलब कुछ भी ऐसी आहट होती है, आँख खुल जाती है, पक्की नींद। तो 1 घंटे में क्या ही बंदा सो लेगा, रात बज जाती है। फिर मैं 5 बजे न्यूज़पेपर लेने जाता हूँ एजेंसी, वहाँ पे से एजेंसी से आके फिर यहाँ पे न्यूज़पेपर देके, फिर वही अपना आधा घंटा बचता है, जैसे अभी 5:30 हो गए, आधा घंटा बच रहा है। गाड़ी वाड़ी गंदी है तो गाड़ी वाड़ी साफ़ करो अंदर से। गाड़ी साफ़ करने में जिन भाइयों के पास गाड़ी है या फिर जो ड्राइवर लाइन में है, उनको पता है भाई गाड़ी डेली की साफ़ होती है, और गाड़ी डेली साफ़ करनी है, मतलब कि अपने को अपनी गाड़ी तो है नहीं, ऑफिस की गाड़ी, तो उसके हिसाब से अपना तो चलो एक आध दिन नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, पर सर जो है मैडम जो है उनको गाड़ी क्लीन चाहिए होती है, तो गाड़ी साफ़ करनी ज़रूरी है। तो डेली अपना आधा घंटा तो उसी में जाता है गाड़ी वाड़ी साफ़ करने में। तो फटाफट से ये सब बातें तो होती रहेगी, मैं फटाफट गाड़ी जो है ऊपर ऑफिस पर लगाता हूँ, गाड़ी वाड़ी साफ़ करके फिर आपसे मिलता हूँ, बाकी की बात जब भी करेगी। तो फ्रेंड्स, अभी जो है गाड़ी वगैरह मैंने साफ़ कर दी, ये अपने ऑफिस की बिल्डिंग है, मैं बाहर आ चुका हूँ बेसमेंट से ऊपर की तरफ, और हवा अच्छी चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है, 5:30 का टाइम हो रहा है, और गाड़ी अपनी साफ़ हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं पानी वगैरह पड़ा है, बोनट खोल रखा है, कपड़ा सुखा रखा है, और टाइम अपना यही वही सुबह के 6:45 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो यहाँ से जो है गाड़ी वाड़ी साफ़ हो गई है, अपने सर का वेट कर रहे हैं, सर आते हैं और फिर घर चलते हैं, फिर देखते हैं घर पे क्या क्या काम बचा हुआ है, कितना काम रह गया है, सब मैं आपको जो है घर चल के दिखाता हूँ। तो गाड़ी वगैरह लेके, सर को लेके, मतलब कि यहाँ का काम ख़त्म करके सीधा मैं जो है आपको घर पर मिलता हूँ, और उसके बाद ही आपको आगे का जो है दिखाता हूँ कि कितना काम बचा है, कितना हो गया। तो सीधा मिलते हैं आप घर पर।
तो अभी जो है घर आ चुके हैं, मिस्त्री साहब आ चुके हैं अपने यहाँ आके काम कर रहे हैं। टाइम हो गया 10 के आसपास। मैं जो है सुबह से 7 बजे आ गया था, पर मैं जो है आके थोड़ा सा थक वक गया था, तो मैं थोड़ा रेस्ट किया, चाय वगैरह पी, नाश्ता वगैरह किया, तो उसमें टाइम हो गया साफ सफाई करते हुए। उस वजह से क्या है, मैं थोड़ा शुरू वगैरह नहीं कर पाया हूँ वो पार्ट। तो अभी जो है मिस्त्री साहब आ गया और अपना काम कर रही है, अपने अंदर की टाइल लग चुकी है, बाहर की रह गई है, तो कुछ इस टाइप से काम हो रहा है। तो मिस्त्री साहब जो है अभी नीचे का फर्श तोड़ रहे हैं ताकि जो टाइल है अपनी वो फर्श के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए और उसके जो है फ्यूचर में उखड़ने वगैरह के चांस ख़त्म हो जाए। तो अभी जो है ये सारा तोड़ के और फिर इसके ऊपर टाइल बिछाएंगे दोबारा से, इसको जो है लेवल में ला के फर्श को। टाइम हो गया दोपहर के 1:30 और टाइल लगना शुरू हो गई है। ये इधर की तरफ की जो है 4 टाइल लग चुकी है, बाकी इधर की लग रही हैं। अभी देख रहे हैं, कटिंग वगैरह कर रहे हैं टाइल की, कैसे कैसे कहाँ कहाँ सेट करनी है, जहाँ जहाँ कॉर्नर निकाल रहे हैं वहाँ पे उसके हिसाब से जो है कटिंग करके और यहाँ पे जो है टाइल को सेट किया जाएगा। बाकी की टाइल यहाँ पे लग चुकी है, तो यहाँ पे जो है कटिंग चालू है टाइल पे, जहाँ जहाँ से कटिंग होनी है वहाँ वहाँ कटिंग करके इसको लगा दी जाएगी और अंदर की टाइल कुछ इस टाइप से पूरा पैटर्न आ रहा है। तो इसको पूरा फाइनल हो जाने के बाद ही मैं आपको जो है आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। अभी तो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो काम है वही हो रहा है। तो यहाँ से ये जो है यहाँ पे टाइल एक टूट चुकी है, यहाँ पे लगाते लगाते में एक टाइल टूट गई है, देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉर्नर है ये ब्रेक हो गया है। क्या हुआ, मैं था नहीं और जो है कोई आर्ट मतलब कि देखने आया नीचे वाले, फिर मतलब कि आया देखने, मैं सामान लेने गया हुआ था और कोई आया उस पर टाइल पे गीली गीली पे चढ़ गया, अंदर तक आने लगा तो क्या है टाइल टूट गई एकदम से। तो मिस्त्री साहब ने भी ध्यान नहीं दिया, उनको रोका नहीं कि भाई टाइल पे मत चढ़ो, तो वो क्या है एक टाइल टूट गई, यहाँ पे ब्रेक हो गई। तो फिर मैंने इसको कहा कि भाई ये टाइल जो है बीच में अच्छी नहीं लग रही टूटी हुई, तो इसको जो है चेंज करो। तो अभी जो है इसको नई टाइल से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे जो है दूसरी टाइल और यहाँ पे जो है ये विंडो बैठा हुआ है ऊपर, इसको मैंने बोल दिया कि कोई भी आए तो भाई इसको चढ़ने मत दियो टाइल पे, टाइल गीली है खामा फ्री नुकसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है टाइल को रिप्लेस कर दिया अच्छे से, इसको सेट कर दिया है लेवल में ला के, ढलान वगैरह कहाँ रखनी है उस हिसाब से। तो फिर टायर का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो लगे हाथ जो है पेंट का काम भी चालू है। तो यहाँ पे जो है मैंने साइडों में न्यूज़पेपर बिछा रखे हैं और पेंट जो है मैं अपने रूम में खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं है मेरे को, ज़्यादा कोई प्रोफेशनल नहीं चाहिए, तो मैंने जो है खुद ही सोचा करने की ताकि पैसे बच जाए और मेरा काम भी हो जाए कम से कम टाइम में। तो यहाँ पे जो ऊपर का जो छत है वो फाइनल हो चुकी है वाइट कलर में, बाकी यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा रखे हैं, साइड की सैंडिंग कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो है डबल कलर मैंने करा हुआ था, डिज़ाइन दे रखा था हल्का फुल्का, तो वो जो है घिसके और सैंड करके उसको अच्छे से घिसाई होके फिर जो है दीवारों को फिर जो है साफ करके फिर उस पर पेंट होगा। तो यहाँ पे जो है छत का पेंट जो है मैंने बना के रखा हुआ है, ये अपना जो साइड में हल्का दिख रहा है वो छत का है, बाकी जो दीवार का है। तो यहाँ पे जो है डिस्टेम्पर मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है फाइनल हो चुकी है छत अपनी, बाकी साइड की वॉल रह गई है, इस पर जो है घिसाई पिटाई करके इसकी इसको लेवल में ला के उसके बाद ही इस पर जो है कलर चढ़ाया जाएगा। एक हाथ में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दो उसमें हाथ लगाने पड़ेंगे, मतलब दो कोट लगाने पड़ेंगे, दो बार इसको करना पड़ेगा, एक बार सूखने के बाद फिर से करना पड़ेगा। तो देखते हैं, और मैं अपनी हालत भी आपको दिखा देता हूँ कि मेरी क्या हालत हो रखी है इस टाइम पे। तो ये कुछ मेरी ये कंडीशन है, मुँह पे पूरा कपड़ा बांधा हुआ, हाथ पेट पूरे गंदे हो रखे हैं, हाथ क्या पूरा मैं ही ऊपर से नीचे तक पूरा गंदा हो रहा हूँ, क्योंकि दीवार घिसी जाती है तो जो है जो धूल मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उड़ती है और पसीने आप देख सकते हो कितने ज़्यादा है, क्योंकि पंखा मैं चला नहीं सकता वरना उड़ेगा सारा, और धूल मिट्टी में किस तरह से मेरी जो है हालत हो रखी है इस टाइम पे। और मेरे को जो है अभी शाम के 7 बज चुके हैं और नहाना धोना है, फिर ऑफिस जाना है 9 बजे, क्योंकि मेरी जो है नाइट की शिफ्ट रहती है, तो मेरे को रात को 9 बजे ऑफिस जाना है, फिर सुबह 8 बजे वापस आऊँगा, फिर दोबारा से इस काम में लग जाऊँगा। तो इतना काम रहता है, बहुत मुश्किल से जो है सब कुछ मैंने जो है इस टाइम पे, ऊपर से थकान भी हो रही है बुरी तरह से, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है 3-4 दिनों से, काम जल्दी से ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो है मैं अपनी नींद लेऊँगा 2-4 दिन की, उसके बाद जो है शरीर से मैं पूरा ठीक हो जाऊँगा। तो अभी जो है इतना काम हो चुका है, फटाफट से इसको दीवारों को घिसा पिटा करके फाइनल करके फिर जो है फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ कलर करने के बाद। तो फ्रेंड्स अभी जो है अगला दिन लग चुका है और अभी जो है कुछ हद तक जो है वो काम कम्प्लीट हो गया, मतलब कि 60-70% जो है काम, 70% ही मैं बोलूँगा काम खत्म हो चुका है, क्योंकि जो डिस्टेम्पर का काम है वो कम्प्लीट हो चुका है, पीछे की वॉल रह गई है, साइड की वॉल कम्प्लीट हो गई है और छत कम्प्लीट हो गई है।
जो अपनी सीलिंग है वो कंप्लीट हो गई है और साइड की वॉल कंप्लीट हो गई है, और ये जो है गेट वाली वॉल है पीछे की ये कंप्लीट हो चुकी है, और अपनी जो है मेन जो है सामने की दीवार है वो रह गई है और पेंट वर्क रह गया है बस। डिसम्बर वर्क जो है सारा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने दो कोट लगाए, मतलब कि दो हाथ लगाए जब जाके ये पेंट भी सेट हुआ है डिस्टेम्पर। और ये अपनी जो है इधर की दीवार भी ये मैंने कुछ गाजरी टाइप का कलर रखा हुआ है, और साइड में मैंने जो है हल्का वायलेट पिंक रेड टाइप का शेड रखा हुआ है, ये सामने की दीवार पे हो जाएगा, ये पेंट मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये जो है ये फाइनल हो गई है, ऊपर पेंट हो दीवार हो जाएगी अपनी नॉर्मल और नीचे पेंट हो जाएगा ताकि जो है जो निशान वगैरह है वो जल्दी से नीचे ना आए। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है रूम का काम जो है कंप्लीट हो गया, मतलब कि जो पेंट वर्क है वो कंप्लीट हो गया। अभी जो है मैं आपको पूरा रूम दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको टाइल दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। ये अपनी फ्लोरिंग वाली मतलब फ्लोर पे जो टाइल लगी है ये अपना पहले हो गया था, और अभी जो है पेंट वर्क भी पूरा हो गया है। तो कुछ इस टाइप से जो है मैंने कलर कॉम्बिनेशन रखा है, ये मैंने अपने हिसाब से रखा जैसे मेरे को ठीक लगा मैंने वैसे कर दिया, क्योंकि टाइम भी नहीं था और इतना टाइम भी नहीं था कि सोचूं कि कौन सा कलर करना है। तो मेरे को जैसा ठीक लगा वैसे मैंने कर दिया फिलहाल, बाद में इसमें जो है करेंगे जैसे बाद में जैसे भी हिसाब किताब बैठेगा वैसे करेंगे बाद में फिर से। अभी के लिए मैंने इतना ही करा है ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा रूम। तो ये अपनी टाइल लग गई है, पेंट वर्क हो गया है, और अभी जो मैं पूरा रूम आपको इस तरफ से भी दिखा देता हूँ। और ये अपना बेड लग गया, यहाँ पे मिरर आ गया, और छोटे मोटे आइटम है अभी रह गए जैसे कि अभी थोड़ा सा जो है रूम में काम रह गया, मतलब कि जैसे कि फ्रेम वगैरह लगाने हैं, फोटो वगैरह लगानी है, या फिर वॉल क्लॉक वगैरह लगानी है। तो फ्रेंड्स वो काम तो होते रहेंगे। ये व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया इस वजह से। फ्रेंड्स होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मोटिवेशन की वीडियोज़ और ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं ये वीडियो में।